ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। जिन आत्माओं ने पवित्रता को अपनाया है, उन्होंने श्रेष्ठ आत्मा बनने की ओर श्रेष्ठ कदम बढ़ाया है। हम अपनी पवित्रता के महत्व को समझते चलें। ये पवित्रता ही है जिससे चारों ओर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे प्रकृति भी पावन बनती है और देवकुल की आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षण होता है। जिन आत्माओं की पवित्रता जितनी श्रेष्ठ है, उनकी सेवा उतनी ही सहज भाव से आगे बढ़ने लगती है। इसलिए हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और बाबा के साथ सहज भाव से ऊपर जाने के लिए, धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना परम आवश्यक है। हम संकल्प करें, हमें बहुत बहुत पवित्र बनना है। जो आत्माएं पवित्रता का दान इस सृष्टि को देती हैं, जिन आत्माओं की पवित्रता के बल से ये प्रकृति पावन बनती है, वो पूजनीय बन जाते हैं। पूजनीय स्थिति बनाने का आधार भी पवित्रता ही है। तो हम अपनी पवित्रता को बढ़ाते चलें। ये एक लंबी साधना है, इसमें अनेक कष्ट भी आते हैं। कभी व्यर्थ स्वप्न आते हैं, तो कभी व्यर्थ संकल्प आते हैं, कभी वासनाएं अपना प्रकोप दिखाती हैं, तो कभी दूसरे की ओर से हमें गलत आकर्षण प्राप्त होते हैं। इन सब बाधाओं के उपरांत भी इस पथ पर निरंतर हमें आगे बढ़ते चलना है। ये पथ साधना का पथ है। लोगों ने तो कह दिया था, ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है, लेकिन हमें अपनी वासनाओं का दमन नहीं करना होता। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें उपभोग कर लेना होता है, लेकिन हमें अपनी वासनाओं को शांत कर देना है, नष्ट कर देना है। शक्तिशाली योग की किरणें बाबा से लेते रहें, तो वासनाओं की अग्नि बुझती चलेगी। शक्तिशाली अग्नि, योग की अग्नि, इन वासनाओं की अग्नि को नष्ट कर देती है। तो जिसको पवित्रता का सुख लेना हो, उसे ये अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखनी होगी। साथ साथ जीवन में निराशा का कहीं स्थान न हो। इस मार्ग पर चलते चलते कई तरह की बाधाएं आती हैं, उतार चढ़ाव आएंगे, स्वप्नों में भी डिस्टरबेंस होगा, लेकिन हमें निराश नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। इस चीज का बहुत बहुत ध्यान हमें देना है। अगर हम निराश हो गए तो हम इस पथ को छोड़ने लगेंगे। कई लोग इस मार्ग पर चलते चलते पथ विमुख हो जाते हैं, उन्हें ये पथ बहुत कठिन लगने लगता है, लेकिन हर समस्या का समाधान है। यदि आपको अपवित्रता बहुत तंग करती है किसी समय पर, तो आप उस स्थान को बदल लें, थोड़ी देर के लिए ईश्वरीय महावाक्य सुन लें, या थोड़ी देर के लिए शांत में बैठ जाएं, इस चिंतन में आ जाएं, मैं तो आत्मा परम पवित्र हूँ। जब भी आपको वासनाएं सताएं, आप ये मंत्र चालू कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और आप इससे पाएंगे कि अपवित्रता के जर्म्स तुरंत नष्ट होने लगेंगे। तो इस मार्ग पर कभी भी घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। हमें ये अच्छी तरह जानना चाहिए, ये ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर हम दौड़े तेजी से चले जाएं। ये मार्ग उतार चढ़ाव का मार्ग है, ये मार्ग बाधाओं को पार करने का मार्ग है, लेकिन हम हिम्मत से, उमंग उत्साह से इन बाधाओं को पार करते चलें, तो विजय हमारी ही होगी और एक दिन हम मंजिल पर पहुंचेंगे ही। क्योंकि जैसे हमें पवित्र बनने की इच्छा है, परंतु उससे भी बड़ी बात है कि बाबा को हमें पवित्र बनाना है।
तो एक ओर से उसका फोर्स हमारे साथ है, दूसरी ओर हमारे दृढ़ संकल्पों की शक्ति हमारे साथ है, तो जल्दी ही हमारी विजय हो जाती है। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, अपना इस स्वरूप देखेंगे, मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं और बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे सफेद किरणों की बरसात हो रही है। ओम शांति।